नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात बेहद दिलचस्प मुद्दे की, वो मुद्दा जो पिछले दो दिनों से न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने अपने इसी मंच से उठाया था। एक वीडियो जो उत्तराखंड की सियासत में कोहराम मचा गया और खासतौर से कांग्रेस के घर में सियासी भूकंप के झटके दे दिया। किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कभी हरीश रावत के बेहद खासम खास रहे, उनके ऊपर कल एक बड़ी कार्रवाई। और याद कीजिए, कल शाम को 5 बजे के आसपास न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने वो कार्यक्रम आपको दिखाया और वो लेटर आया 6:30 बजे के आसपास, जिसमें किशोर उपाध्याय को चेतावनी भरे लहजे में समझाया गया कि आपने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए आप पर कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटाया जाता है। अब आप कहेंगे ये तो कल की खबर है, इसमें नया क्या है? नया है किशोर उपाध्याय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के प्रभारी की कार्रवाई। हरीश रावत कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। हरीश रावत, उत्तराखंड में कांग्रेस के घर में पत्ता भी हिलता है तो वो हरीश रावत की इजाजत से हिलता है, और हरीश रावत कहते हैं मुझे मालूम है। कल तक जो हरीश रावत के करीबी हुआ करते थे वो हरीश रावत से दूर हो गए, यानी कि किशोर उपाध्याय जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संभाली तो हरीश रावत की पैरवी पर। अब मेरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेगा, सवाल ये, किशोर उपाध्याय बीजेपी नेताओं के संपर्क में, बीजेपी नेताओं के संपर्क में आने के बाद वीडियो वायरल होना, तस्वीरें सामने आना, रात के अंधेरे में जाना, फिर चर्चा ये आई कि बीजेपी के होटल में, एक होटल है जो पावर सेंटर माना जा रहा है, वहां पर एक बार फिर से मीटिंग, फिर चर्चा कल ये आई कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में देहरादून में किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। फिर सवाल यह कि आखिरकार क्या किशोर राजनीति के किशोर है? शायद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किशोर उपाध्याय ने यह पटकथा खुद लिखी हो? खुद आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये पटकथा वो खुद क्यों लिखेंगे? इसके पीछे भी एक वजह है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं 3 बयान सुनाता हूं, पहले हरीश रावत का, फिर धन सिंह नेगी है जो कि विधायक है टिहरी से, क्योंकि टिहरी किशोर उपाध्याय बीजेपी के विधायक, किशोर उपाध्याय की एंट्री अगर होती है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं पहले बयान सुना रहा हूं, फिर मेरे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से और समझेंगे किशोर क्या राजनीति के किशोर साबित हो रहे। मैं फिर कह रहा हूं ये पटकथा खुद किशोर उपाध्याय ने लिखी है। पहले ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने हरीश रावत से पहले ही ये सवाल पूछा था किशोर उपाध्याय को लेकर, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था और राजनीतिक प्रतिक्रिया है, सुनिए। हाल ही में एक आपने वीडियो देखा होगा, मुलाकात करते हुए निकल रहे हैं, मीडिया ने उनको देख लिया, वो तमाम खबरें उड़ रही हैं कि किशोर उपाध्याय जी, आपने भी कहा कि मैं इस मामले में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप रोकेंगे नहीं किशोर उपाध्याय? देखिए, वो मेरे राजनीतिक एजेंडे के एक हिस्सा थे। हाँ। आप हैं तब तक होते हैं जब आप विश्वास करते हैं। आज उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। यदि मुझ पर विश्वास होता तो फिर उनको नया एजेंडा अपनी राजनीति का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जिस एजेंडे पर हम काम कर रहे थे वो उनका मेरा कॉमन एजेंडा था। मैंने कहा उनका हमारा कॉमन एजेंडा था, हमने
मिल करके कुछ एजेंडे बनाए थे, उन्होंने हमारे साथ काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था, और इसलिए मैं उनके प्रश्न पर, इन सवालों पर, ये निजी उनके जो ये निजी उनके एडवेंचर हैं, इन एडवेंचर्स में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना हर कहना चाहूँगा कि मेरी शुभकामनाएँ। कांग्रेस में तरह तरह की बातें चलती हैं और तरह तरह के कांग्रेस में गुट हैं, कोई क्या कह रहा है इस बात का कोई महत्व नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं वहाँ का विधायक हूँ और मैंने 5 साल की विधानसभा में ऐतिहासिक और बेहतर काम किए हैं, इस बात का प्रमाण जनता देगी। मेरी पार्टी में जो सिद्धांत हमारी पार्टी का, जो लोग भ्रष्ट हैं, जिन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, जिन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोपों, 420 के आरोपों, ठगी के आरोपों, जिनका परिवार SIT जांच में हो, जो लुकआउट नोटिस पे हो, जिनके परिवार के मेंबर आन, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने का सोच भी कर सकते हैं, और यदि सोच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार करेगी। इस बात को दूर तक की संभावना नहीं है। किशोर उपाध्याय जी के भाई पिछले 5 साल में देहरादून जनपद 500 करोड़ की जमीन के घोटाले किए हैं और किससे छिपा नहीं है। SIT जांच हुई है, हमारी सरकार में हुई है, और उनकी पत्नी लुकआउट नोटिस है, पुलिस का 2 साल से अंडरग्राउंड है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है और जो हमारा विकास का एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बात में कोई दम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो एक प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, और उस भ्रम में जीने हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए करेंगे। लेकिन कोई भ्रष्ट और बेईमान लोग हमारी पार्टी में आएंगे, इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन हरीश रावत जी जिस तरीके से किशोर उपाध्याय को पार्टी से भी अलग मान रहे, तो कैसे देखते हैं? हरीश रावत जी कब क्या कहते हैं वो उनका बात है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी पार्टी में तरह तरह के गुट हैं, और किस गुट में है वो तो वो जाने, उनका हमें कुछ नहीं कहना, हमें अपनी बात कहनी है। सर एक और चीज़ है कि आपकी सरकार ने पिछले दिनों आचार संहिता लगने के ठीक एक दिन पहले कई शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन अब सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र वापस ले लिए गए विभाग की तरफ से, क्योंकि विपक्ष के बड़े आरोप लगे थे कि आप लोगों ने बैग। मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ और मुझे क्षेत्र में जाना है, तो मेरा विषय नहीं, जिनका विषय आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। अभी एक तो किशोर उपाध्याय को लेकर ये राजनीतिक बयानबाजी, और इन बयानबाजी के बीच में अब सवाल यही कि आखिरकार किशोर उपाध्याय ने क्या ये पटकथा खुद लिखी है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ बिना वक्त गवाए। आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लखपत बड़ोला साहब, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है और पक्के कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी, जैसे किशोर उपाध्याय हुआ करते। अब हमारे साथ नवीन ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं BJP के। इनकी पहचान मुस्कुराता हुआ चेहरा। नवीन ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही समीर रतूड़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं उत्तराखंड में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सभी का। लखपत जी मेरी ऑडियो आ रही है सर आपको? जी नमस्कार। लखपत बड़ोला जी? जी नमस्कार तिलक जी। नमस्कार लखपत जी, मैं जान सकता हूँ आज आवाज कम आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, आज कुछ लग रहा है सिग्नल प्रॉब्लम है। टिहरी में भी बहुत सिग्नल नहीं मिल रहा, टिहरी में भी मैं बहुत सिग्नल आजकल वीक चल रहे हैं। हेलो, हाँ सर लखपत जी मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये जान सकता हूँ, व्यक्तिगत सवाल है, कुछ उदास, परेशान और कुछ गुस्से में लग रहे हैं लखपत जी, मैं जान सकता हूँ क्यों? मैं तिलक जी लखपत बटोला का तो चेहरा ही हमेशा मुस्कुराता रहता है, मैं कभी अपने आसपास में किसी तरह के तनाव को नहीं रखता हूँ। देखो जो पब्लिक डोमेन में रहते हैं, जो सेवा रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और आप लोगों के सहयोग से इस तरह का कभी हम कभी आप लोगों के बीच जाकर के हमेशा हंसने का मौका मिला है, ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि हम कहीं तनाव में रहे। और इस समय तो कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड निश्चित रूप से मुस्कुराने का मौका। अच्छा, मुस्कुराने का मौका है, लेकिन मैंने क्योंकि आप भी मेरे मित्र हैं और नवीन ठाकुर जी भी मित्र हैं, अब समीर जी भी मित्र बन गए, मैं इसलिए क्यों, मेरी चिंता इसलिए हो रही थी कि मुझे लगा शायद क्योंकि आप भी राज्य आंदोलनकारी रहे और किशोर उपाध्याय भी, मुझे लगा शायद उनको दूसरे रास्ते पे जाते हुए आप दुखी होंगे, उदास होंगे, परेशान होंगे, मुझे तो शायद यही लगा। जी देखिए तिलक जी, मैं आपसे कह सकता हूँ किशोर उपाध्याय जी के साथ व्यक्तिगत बहुत घनिष्ठ संबंध है, और उन्होंने मुझे
जब वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे प्रवक्ता बनाया, गढ़वाल मीडिया प्रभारी बनाया और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। मैं गढ़वाल मंडल का प्रभारी रहा हूँ, बहुत चीजें पार्टी ने उनके नेतृत्व में मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है, वो सौभाग्य हमारा। लेकिन भाई साहब किशोर उपाध्याय की उत्तराखंड के लिए और टिहरी के लिए अपना बड़ा सोच रही है और वो उस सोच के लिए जो व्यक्ति होता है दिल से किसी चीज को करना चाहता है उसके लिए वो गहराई में सोचते हैं, उसके लिए जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके साथ मुझे बहुत आनंद आया 3.5-4 साल काम करने में और कहीं कोई दिक्कत आज ही मेरे बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन कल से मैं भाई साहब का फोन मिला, फोन मिलाया तो बात हुई आपकी जी। मेरे भी आप ही की तरह शायद हो सकता है कि संबंध हो, मेरे भी आप ही की तरह मित्र हो, मैंने भी फोन मिलाया, मेरा फोन नहीं उठा रहे, आपका उठाया जी? जी जी, मैंने भाभी जी से बात की और मैं आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किशोर जी ने आपका फोन उठाया जी, मैं आपसे कह सकता भाई साहब का फोन तो बिजी जा रहा है लेकिन भाभी जी से बात हुई। अच्छा, बिजी जा रहा है, लखपत जी बिजी जा रहा है, समझ रहा हूँ सर। मैं अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, नवीन ठाकुर जी देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं मेरे मित्र। नवीन जी, मैं आपकी मुस्कुराहट के बारे में अब क्या कहूँ, आप समझ रहे हैं। मैं आपको लखपत जी बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि कहानी क्या है। लखपत जी जो कहना चाह रहे हैं, नवीन ठाकुर जी जी, पता है क्या हुआ, 4 दिन पहले मैंने उपाध्याय जी को फोन किया जी। मैंने कहा कि मैं टिहरी आ रहा हूँ जी, जैसे लखपत जी मेरे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा मैं टिहरी आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तिलक भाई आइए, वेलकम है, लेकिन जरा मौसम का मिजाज पता करके आना, मौसम बिगड़ रहा है। ये 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे मौसम बिगड़ रहा है। लखपत जी, समझ रहे हैं आप, मौसम बिगड़ रहा है। नवीन ठाकुर जी की मुस्कुराहट, आप उदास हैं, नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं। नवीन जी मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक और कबूल करिए नवीन जी, मुबारक। तिलक जी मुबारक है, सारी कबूल है, लेकिन किस चीज की मुबारक है ये थोड़ा खुलासा कर देंगे तो उस पर फिर मैं प्रकाश डालूंगा। सर खुलासा तो आपको करना है, रेस कोर्स में जो अंधेरे में मीटिंग हुई है आप खुलासा मुझसे करवा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई अंधेरे में मीटिंग नहीं हुई। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेहनत करते हैं संगठन के काम को लेकर, तो अगर उनसे कोई 6-7-8 बजे मिलने आया तो इसमें कोई अंधेरे आया, कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं थी। सामने आए, मिले और अपने विषय रखे, बातचीत हुई। अब आज हरीश रावत जी का मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, कितनी गलत बात है। हरीश रावत जी, आप स्वयं अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से 2-2 भेंट करके गए, इसका मतलब आपका मिलना भी गलत था। तो आज जब आपको लग रहा है कि किशोर उपाध्याय आपके लिए सिरदर्द या बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं, तो आपने उनसे किनारा कर लिया। आपने उनके 48 साल का 44 साल का जो सेवा थी कांग्रेस के लिए वो आपने एकदम भूल गए। आज जो है ताबड़तोड़ जो है किशोर उपाध्याय जी पर हमले हो रहे हैं, वो किशोर उपाध्याय जी जो अभी 6 महीने पहले इनको बहुत उपयोगी लगते थे, बड़े भाई थे सबके, सबके आदर्श थे, सबको साथ लेके चलने वाले थे, आज कांग्रेस के लिए इतने बेगाने हो गए। तो ये अन्य कांग्रेसियों के लिए भी घंटी है, जो कांग्रेस 50 साल से कांग्रेसी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कि आप समझ लो। लखपत जी तो बड़े भाई है हमारे, लेकिन लखपत जी के भी बड़े भाई है किशोर उपाध्याय जी। तो मैं तो सब कांग्रेसियों को आगाह कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में उनकी 40 साल 44 साल 48 साल की सेवा 1 मिनट में जो है मिट्टी हो सकती है, ये समझ लें। किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, बोलना चाह रहे कुछ, मैं फिर मैं रतुड़ी जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बार नवीन ठाकुर जी, एक मिनट लखपत जी आ रहा हूँ आपके पास। नवीन ठाकुर जी, क्या डील हुई है? नवीन जी, डील क्या हुई है? नवीन ठाकुर जी, जी तिलक जी, थोड़ा शोर हो रहा था जी, बताएं। जी बहुत सियासी शोर है, मैंने कहा डील क्या हुई है, डील नहीं, कौन सी डील और कैसी डील की बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ तो सब स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, विकास के दम पर चुनाव लड़ती है, और निश्चित तौर पर हमने जो मेहनत बूथ स्तर तक की, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारी जो कार्य समितियां, उनके दम पर हम चुनाव में जाएंगे। नवीन ठाकुर जी,
कहीं आप ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? मतलब आप मतलब बीजेपी किशोर उपाध्याय राजनीति के किशोर नहीं है वो, समझ रहे हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल, हमने कभी नहीं कहा कि वो राजनीति किशोर है, बहुत परिपक्व जो है राजनेता है, बहुत अनुभवी राजनेता है और दो दो बार टीवी का प्रतिनिधित्व किया और कांग्रेस की 44-48 वर्षों से वो सेवा कर रहे थे और जिस प्रकार जो है उनका अपमान हुआ और तिरस्कार करके कांग्रेस ने उन्हें कल जो है रास्ते पे ला दिया, ये बड़ा ही दुखदाई है। मेरी संवेदना किशोर जी के साथ है, बहुत संवेदना है। समीर रतुड़ी जी, जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि मेरी संवेदना है, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी बहुत संवेदना है, कांग्रेस के लिए कितना काम किया उन्होंने, कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर दिया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन आज हरीश रावत जी कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ। सुनने में आया कि रडार पे तो आपके भी थे। देखिए नवीन भाई की जो बातें हैं उनकी कथनी में अंतर है, करनी में अंतर है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने कुछ और है। भले ही वो बोल रहे हो कि वो सिर्फ बोल रहे हो कि उनको संवेदना हो, लेकिन भीतर खाने वो इस बात से बड़ी प्रसन्न हो गई कि कांग्रेस में एक फूट और हो गई है। देखिए ये पूरी जो कांग्रेस और भाजपा है ये लगातार पिक एंड ड्रॉप वाली जो थ्योरी होती है उस पर लगातार काम कर रही है। जो कहीं से छूट गया उसको वहां से पकड़ लिया, कोई वहां से छूट गया तो उसको वहां से पकड़ लिया, ये लगातार दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ लगातार करने का प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि जो भाजपा आज सत्ता में भी है उसमें 7 से 9 जो विधायक है वो भी कांग्रेस से आए हुए विधायक है जो भाजपा के अंदर है। तो भाजपा ये नहीं बोल सकती कि हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये भी बोल सकती है कि हम लोग जो मेजोरिटी पा रहे हैं वो खरीद फरोख या फिर कहीं से उठाए हुए विधायकों के आधार पर भी सरकार बनाने का मादा रख रहे हैं। बहरहाल ये बात बोल सकती है कि जो किशोर उपाध्याय जी हैं वो बड़े लंबे समय से कांग्रेस के बड़े सेवक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस में बड़ा काम किया है और आज ऐसी कोई स्थिति शायद कांग्रेस के अंदर बन गई है जहां उनको लगता है कि मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। और मुझे आपके द्वार क्यों नहीं आए, मैं ये पूछ रहा हूं आपके द्वार। देखिए आम आदमी पार्टी का एक बहुत क्लियर फंडा था और ये क्लियर लेके चले थे हम लोग कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में टिकट नहीं देंगे जो पहले विधायक रह चुका हो। अच्छा। और हमने ये कहा कि हम नए चेहरे को सामने लाएंगे और पहली प्राथमिकता उन चेहरे को होगी जो जमीन में अधिकृत रूप से काम कर रहे हो और जिनके ऊपर जिनके ऊपर हम लोगों को क्रिएटिविटी ढूंढ रहे थे कि जो सच में जमीन में काम करो, जिनको मौका नहीं मिल रहा। जो आपका अनुभव क्या कहता है, किशोर उपाध्याय जाएंगे बीजेपी में? देखिए अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, किशोर उपाध्याय को नहीं रोक पाओगे। नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब कुछ ओके है। मैंने आपसे कहा है कि तिलक जी आप धैर्य रखिए और मैं आपसे कह सकता हूँ उपाध्याय जी हमारे कांग्रेस के बहुत मजबूत सिपाही हैं और उन्होंने कांग्रेस को बहुत अपने जीवन के जब वो युवा थे तब से कांग्रेस के साथ जुड़े और कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे तो कह रहा हूँ और एक बात आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ठाकुर जी कह रहे हैं आप उपेक्षा कर रहे थे किशोर उपाध्याय, मेरी संवेदना है किशोर उपाध्याय के साथ। जो बात कही मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितने चैनलों में जब मैं डिबेट में नवीन भाई साहब के साथ बैठा हूँ वो कांग्रेस को जब कांग्रेस के बारे में बोलते हैं तो एनर्जी दुगनी हो जाती, बाल खड़े हो जाते हैं भाई साहब के। अच्छा। इतनी एनर्जी आ जाती है, वो कांग्रेस को गलियाने में कर दी उन्होंने। अब वो आप जानते हैं बीजेपी आरएसएस वाले वो व्हाट्सएप फेसबुक क्या ज्ञान लेके आ जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। फेसबुक क्या ज्ञान है आपका, किशोर उपाध्याय किसी कीमत पर नहीं आएंगे। अभी सिग्नल में दिक्कत आ रही है, लखपत जी कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं लखपत जी, सिग्नल में दिक्कत आ रही है वरना मैं आपका पूरा वर्जन लेता। ओके नवीन ठाकुर जी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए किशोर उपाध्याय आपके पाले में नहीं आएंगे। तिलक जी हमने तो कहा ही नहीं कि किशोर जी हमारे पाले में आ रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। खुद को जो है घबराहट हो रही है, खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। हमने कब कहा कि किशोर जी हमारे पाले में आ रहे हैं, हमारे किस नेता ने कहा किशोर हमारे पाले में आ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस किशोर उपाध्याय ने 48 वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की, जिन किशोर उपाध्याय ने अपनी जवानी कांग्रेस के लिए खपा दी, जो किशोर उपाध्याय 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे टिहरी से 2002 से 2007 तक 2007 से 2012 तक, जो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष रहे 2014 से, उन किशोर उपाध्याय को इतने बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ऐसा कांग्रेस ने उनके साथ क्यों किया? मेरी किशोर जी के साथ संवेदना है, मैंने ये कहा। मैंने ये नहीं कहा वो भारतीय जनता
नहीं 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 नवीन ठाकुर जी आपके सामने, लखपत जी आपके करीबी है ना, किशोर उपाध्याय जी भी आपकी तो सुनते होंगे, एक बार लाइव फोन मिलाइए जी। निश्चित नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं लाइव फोन मिला लीजिए, अगर आपका फोन उठा ले मिला, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। अब भी मिलाएंगे जी, आप रुके, चुनौती है मेरी, नहीं मिलाएंगे बिल्कुल भी लखपत भाई। नहीं नहीं आप चुनौती मत दीजिए, एक मिनट लखपत जी मिलाइए फोन, लाइव में मिलाइए किशोर उपाध्याय, आप बेशक मेरा नाम ले लीजिए। तिलक जी डिबेट आपका शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इन्होंने जो बात कही है कि किशोर उपाध्याय जी के साथ बहुत सारे नाइंसाफी, कांग्रेस के हर नेता के साथ नाइंसाफी लगती है, जिस आडवाणी जी ने बीजेपी को बीजेपी की स्थापना की, जिस आडवाणी जी ने दोस्तों लेकर इनको 300 तक के विधायक सांसद देने का काम किया, उस आडवाणी जी को कहां फेंका हुआ है, तो ये मुरली मनोहर जी को कहां फेंका हुआ है, यशवंत सिन्हा की क्या हालत थी, वो कहने की जरूरत नहीं करते। बहुत आदर सम्मान हमारे जो है आडवाणी जी को हमारे नेता देते हैं, प्रधानमंत्री जी पैर छूते हैं उनके, हरीश रावत जी ने क्या क्या बयानबाजी की आज, नवीन जी लखपत भाई सुन लीजिए आप कांग्रेस के अंदरी मामले को मत देखिए, आपके 57 को बहुमत विकास के लिए दिया था, उस पर बात करेंगे ज्यादा बेहतर है, और अपने परिवार के अंदर अच्छा वो सिग्नल कट गया, सिग्नल कट गया, टीरी सिग्नल जोड़ते हैं। ओके समीर रतुड़ी जी, ठाकुर जी जो बात कह रहे हैं इसका संकेत और मायने क्या है, आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा बीजेपी के सिवाय जाने का, आपको ऐसा, आपको ऐसा मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, लखपत जी सिग्नल में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट करो तिलक जी, रतुड़ी जी अपनी बात जी जी। देखिए ठाकुर साहब भले बोल रहे हो इस बात को लेकर, पर वो इस बात से नहीं नकार सकते कि पहले भी ये प्रक्रिया हो चुकी है। क्या वो नकार सकते हैं कि कल किशोर उपाध्याय जी भाजपा में आना चाहे वो ना कर देंगे? क्या वो नकार सकते हैं कि हरीश रावत जी भाजपा है क्या उन्होंने ना करी है? क्या नकार सकते हैं कि जब पहले पूर्व में सतपाल महाराज जी भाजपा में इन्होंने नकारा हो? ये कभी नहीं नकारेंगे, ये तो सिर्फ अभी आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र भी बिल्कुल लखपत भाई की तरह खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। मैंने कब कहा कि हम नकार रहे हैं, और मैंने कब कहा कि वो भाजपा में आ रहे हैं? ये तो दोनों प्रवक्ता जो है बेचारे अब अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ की वहां वहां की वहां कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का बड़ा वट वृक्ष है, आम आदमी पार्टी की तरह चुनिंदा तो है नहीं कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे लड़ाने के लिए, कांग्रेस की तरह तो है नहीं हाल की 10 सीटों पर एक ही प्रत्याशी है, दूसरे ने आवेदन तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का बड़ा वट वृक्ष है, और जिस दुकान में सामान होता है ना उसी दुकान में ग्राहक आते हैं, इनकी दुकानों में सामान नहीं है आजकल, ना कांग्रेस की दुकान में ना आम आदमी पार्टी की। देख ली एक IPS थे इनके जुड़े थे बेचारे विकास नगर से, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो छोड़ के चले गए। एक IAS जुड़े थे पूर्व, वो छोड़ के चले गए। रविंद्र जुगराम जी वरिष्ठ नेता उनको झांसे में लेके पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्रलोभन दिए थे, वो छोड़ के चले गए। तो इनके यहाँ से तो भगदड़ जारी है, और भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव में जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है दम रखते हैं किसी को भी जिताने। मैंने कबूल कर लिया इस बात को लेकर कि किशोर भाई को लेने के लिए वो ना भी नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि अंदर खाने उनकी अपनी एक पैक्ट हो गया है और एक डील बन चुकी है भाजपा की और किशोर भाई के बीच में, और इस बात का अच्छा। इस बात की भनक जो है मैंने तो पूछा क्या डील हुई, और इसलिए कांग्रेस ने आपके सामने रतुड़ी जी आपके सामने मैंने पूछा ना क्या डील हुई, नवीन जी कह रहे कोई डील नहीं, आपके सामने मैंने पूछा था ना क्या डील, जैसे हमने बोला, जैसे आपने हमसे पूछा कि आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं, हमने स्पष्ट तौर से बोला कि हमारी स्ट्रेटेजी है इस्लाम नहीं, बिल्कुल ना है, ना 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 नवीन भाई की हुई है, नवीन भाई की बात को इस पर जवाब नहीं, आपके साथ भी हुई है मीटिंग, अंगूर खट्टे हैं तिलक जी, मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के लिए, अंगूर खट्टे ना कर दिया गया है हमारी तरफ से, ना कर दिया गया था, ना कर दिया गया था बिल्कुल, आपने मना कर दिया। नवीन भाई से बोल रहा हूँ, नवीन भाई के लोगों से मीटिंग हुई है पर स्पष्ट क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ हुई है कि ना हुई है, या फिर क्या डील हुई है, बताए ना उस बात को लेकर, बता दीजिए नवीन जी वो अंधेरे में जो मुलाकात हुई क्या बात हुई? हमने तो कहा कहा कि किशोर जी आए, जब हरीश रावत जी मिले थे हमने तब भी कहा था कि पहले भी मिले, अब भी मिले हैं, अब भी कह रहे हैं मुलाकात हुई, बातचीत हुई रात के अंधेरे में। मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 12 बजे तक काम करते, आपकी वजह से कोई 8 बजे मिलने आया, आज आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, आज आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं किशोर उपाध्याय को लेकर, आपकी वजह से उन पर गाजगिरी, उनको सारे के सारे पदों से हटा दिया गया आपकी वजह से नवीन ठाकुर जी। नहीं नहीं देखिए हमारी वजह से नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने
भू कानून को वन कानून को लेकर सभी दलों से मिल रहा हूं, उन्होंने सबका जिक्र किया। हरीश रावत ने यह नहीं कहा कि वो केवल जो है भाजपा से मिले इसलिए हटा दिया, उन्होंने सबका जिक्र किया कि वो कभी आम आदमी पार्टी से मिल रहे थे, वो कभी भाजपा से मिल रहे थे, लेकिन हरीश रावत ने अपना नहीं बताया कि वो भी मिलते हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि हरीश रावत जो कहे, हरीश रावत के बारे में तो कहावत रही, ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही, तो यहाँ पर भी वही साबित करने की कोशिश की उन्होंने अपने बयान में। ओके, लखपत जी का सिग्नल आ गया। ओके लखपत जी, अपनी बात रखिए। देखिए तिलक जी, मैंने कहा कि नवीन भाई आपको तो जिस तरह से आप कांग्रेस के बारे में कहते, कुछ भाजपा के बारे में पढ़ा करो, अपने घर के अंदर की लड़ाई देखो। हरीश रावत जी के बारे में यदि आप कहना चाहते हैं, मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, यदि वो मिलते हैं तो छुके नहीं मिलते, आपके तो अंधेरे में चोरी करके नहीं मिलते हैं, वो फेसबुक पर ट्वीट भी करते हैं, फोटो डालते हैं, लिखते भी है। ये हाल है कांग्रेसियों का, अभी तो इनके बड़े भाई थे, सम्मान करते थे, अब बड़े भाई पे आरोप लगा रहे हैं, बड़े भाई को चोर कह रहे हैं कि चोरों की तरह आकर मिले। अरे भैया कम से कम अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो लखपत भाई, वो बहुत सम्मानित नेता है आपके, अभी कांग्रेस छोड़ी नहीं है उन्होंने, आपने निकाला नहीं है उन्हें, पदों से हटाया है, तो कम से कम तब तक तो मर्यादा रखो जब तक वो आपके प्राथमिक सदस्य हैं। आप मान बहुत बोलना चाहते हैं, आपको समय मिला है और जरा डिबेट का एक डोकोरम रखिएगा, आप सीनियर प्रवक्ता है, जरा ध्यान रखिए, बहुत समय से मिल रहे हैं, ये ध्यान रखो। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था बिल्कुल भी, मैं पहली बात सुन लीजिए, पार्टी की जिन जिम्मेदारियों की आप बात, क्या किशोर उपाध्याय जी को कांग्रेस से हटा दिया है क्या, ये बताने का काम कीजिए। आपने त्रिवेंद्र रावत जी को हटाया तो क्या उनको कोई पद दे रखा है क्या, मैं पूछना चाह रहा आपसे, आपने तीरथ सिंह रावत को हटाया तो क्या कुछ कहा उनके लिए। पार्टी की एक व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी होती, पार्टी को लगता कोई कार्यकर्ता छोटा है बड़ा, यदि वो पार्टी के अनुशासन में नहीं है, पार्टी को लगता कहीं पे दिक्कत है, तो उसमें बात करने में क्या है, कार्यकर्ता को एक नसीहत देने में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की बात कह रहे थे मान्यवर, एक उदाहरण के साथ आता हूँ नवीन जाते लखपत जी आपके सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक उदाहरण के साथ आता हूँ। आज अनुशासन याद आ रहा है ना आपको, मैं एक अनुशासन की कहानी याद बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, नवीन ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष थे यशपाल आर्य जी, और शायद उस वक्त धीरेन्द्र प्रताप अनुशासन समिति के सदस्य हुए करते थे, और भंडारी जी शायद अध्यक्ष हुआ करते थे आपकी पार्टी संगठन में। लखपत साहब अगर गलत याद दिलाइएगा, आपने 100 नोटिस जारी किए थे एक साथ अनुशासनहीनता के चलते, 100 नोटिस, आधे घंटे में 100 के 100 नोटिस वापस लेने पड़ गए, आधे घंटे में। मैं यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते तब की आगाज याद दिला रहा हूँ आपको, ये अनुशासन है। मैं एक खैर मैं बता रहा हूँ, अब मैं आगे आ रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी पूरी। आप ये बताओ, इन्होंने तो 2 बार अपने हरिद्वार के विधायक को निकालने के बाद एक हफ्ते में ट्रेनिंग दे दी, हमने तो निकाला नहीं। अगर अनुशासन में किसी को हम 100 करोड़ नोटिस भेज तो पूर्ण मिल जाता है, हमें लगता है कि जाने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी ने विधायक को हटाने के बाद मेरी मजबूरी ये है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है लेकिन आज रडार में आप आ नहीं पा रहे बीजेपी की भी। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सिग्नल में आइए, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन नवीन ठाकुर जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं प्रवीण समीर रतूड़ी जी के पास जाऊंगा। बोलिए तिलक जी, जैसे लखपत भाई ने कहा कि आपने 2 पूर्व मुख्यमंत्री हटा दिए और उनको कोई दायित्व नहीं दिया, तो लखपत भाई हमने बेशक जो है मुख्यमंत्रियों को कोई दायित्व नहीं दिया, लेकिन हमारे किसी नेता ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की, जैसे हरीश रावत जी कर रहे हैं। हमारे किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो हमने दायित्व से हटाए, उन्होंने किसी अपने नेता पर कोई टिप्पणी नहीं की। आपने तो एक किशोर के दायित्व बदले, आपने जो चुनाव संचालन, अरे लखपत भाई सुन लीजिए ना, आपके चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी ने कितनी जो उन पर टिप्पणियां की, किस प्रकार की हल्की जो है टिप्पणियां उन पर की। और एक टिप्पणी और याद कर लीजिए आप, और याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, आप सोचिए जब इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री बदले, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई एक टिप्पणी नहीं की, लेकिन इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री बदले तो कैप्टन अमरिंदर ने इनके प्रदेश अध्यक्ष द्रोही कहा, इन्होंने देशद्रोही को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, उसपे जवाब नहीं देंगे। सोनिया गांधी ने जवाब नहीं दिया उसपे, इनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब नहीं दिया, हरीश रावत प्रभारी थे उन्होंने जवाब नहीं दिया,
तो ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस का जब एक कोई कार्यकर्ता किसी पक्ष से हटता है तो इनके लोग इतनी हल्की टिप्पणियां करते हैं। दिक्कत सिग्नल में आ रही है लखपत जी, मैं चाह रहा हूँ आप कनेक्ट होइए, अपनी बात रखिए, लेकिन समस्या सिग्नल में आ रही है, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। लेकिन समीर अतुड़ी साहब, मेरा कुछ सवाल अब हटके है। मेरा सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय ने कहीं खुद तो ये पटकथा नहीं लिखी, खुद तो आपको क्या लगता है समीर अतुड़ी? देखिए मेरा उत्तर दूंगा, मेरा स्पष्ट मानना है कि दोनों पार्टियां जो है पटकथा रचने में बहुत माहिर है, और पटकथा हमारे जो हमारे जनता के जो अरमान होते हैं उसको सैर करके अपनी गणित अपने राजतंत्र को और सुदृढ़ करने का कार्य होता है। ये इसमें आपकी बात में हो सकता है कि आपकी बात सत्य भी हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से भाजपा का इतिहास रहा है और जिस प्रकार आज कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है, वो स्पष्ट बताता है कि भाजपा इस मोड़ में आ चुकी है कि वो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं किशोर उपाध्याय जी को लेने के लिए साठगांठ बना चुकी है, और कांग्रेस के अंदर बहुत अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो अपने आदमी को संभाल नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में दोनों भाजपा और कांग्रेस जो है वो फुटबॉल का गेम खेल रही है और कुछ नहीं कर रही है। लखपत जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पटकथा किशोर उपाध्याय ने इसलिए लिखी हो क्योंकि कल को उनके ऊपर ये इल्जाम ना आए जो पूर्व कांग्रेसी और पूर्व मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर आया जो बागी हुए कांग्रेस के, कि इन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप दिया, अब वो विक्टिम कार्ड लेकर जेब में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए कांग्रेस ने मेरे साथ ये हाल किया तो मुझे जाना पड़ा। देखिए तिलक जी, नवीन जी बार बार पूछे कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बार बार पूछे मुझे क्यों हटाया गया, ये तो बता दीजिए, वो तो मीडिया में भी कह चुके हैं, तो ये तो आप बताए ना, आप चैनल पे इतनी लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं नवीन जी, तो ये बता दीजिए त्रिवेंद्र को क्यों हटाए, आप बता दीजिएगा, इसका तो जवाब दीजिए आप। दूसरी बात किशोर उपाध्याय जी की बात की है, मैं लगातार कह रहा हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से जो डिबेट हुई थी के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस का मजबूती से पक्ष रखा, उन्होंने आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने उनियाल जी के साथ जिस तरह की डिबेट और कांग्रेस के पक्ष में बात की वो सबने देखा, वो एक हफ्ते पहले की बात है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं पुनः कह रहा हूँ किशोर उपाध्याय जी कांग्रेस सिपाही है। देखिए लखपत जी हमारे बहुत जी। बहुत जो है ना बहुत काबिल प्रवक्ता है, लेकिन कई बार आप बताइए परिस्थितियां लखपत भाई के विरुद्ध है, वो देखो भरसक प्रयास कर रहे हैं, वो देखो मैं बताता हूं प्रवक्ता जो है इनको याद दिलाइए वो वाला क्षण मैंने खुद देखा था। हुआ क्या था कि 2016 में जब कांग्रेस टूटने वाली थी उससे पहले का प्रकरण पता क्या था लखपत जी, याद दिला रहा हूं, विधानसभा में उससे एक दिन पहले विजय बावड़ा जी आए और गोविंद सिंह कुंजवाल जी उस वक्त अध्यक्ष होते थे, वो कुंजवाल जी के कमरे में गए और कमरे में क्या बात हुई मालूम नहीं, लेकिन बाहर मुस्कुराते हुए दोनों बाहर निकले और बहुत शानदार जैसे अभी कह रहे हैं ना कि डिबेट हुई, अपनी नाराजगी का इजहार किया, वैसा ही कुछ हुआ था, और ठीक कुछ ही घंटों के बाद विधानसभा के भीतर धमाका, सियासी धमाका। नवीन ठाकुर जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये किशोर जी के आने से आपको क्या फायदा होगा, ईमानदारी से क्या फायदा? देखिए तिलक जी, मैंने कहा कि हमें किसी आयाराम गयाराम के भरोसे पार्टी नहीं है हमारी, हम अपने विकास के दम पर चुनाव में जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं, और कोई बड़ा नेता या कोई विधायक हमारे पास आना चाहता है निश्चित। लखपत जी के घर पे लखपत जी के घर के जितने नेता थे आप उठा के ले गए, आप कह रहे हमारे पास कार्यकर्ता, आधी कैबिनेट आपकी कांग्रेसियों की, आप कह रहे हैं हमारे नेता, बहुत सही बात, जिन पे आपने आरोप लगाए, नहीं तिलक जी आपने भ्रष्टाचारी कहा, तिलक जी मैंने कह रहे कि मैंने ये कहा, नहीं देखो तिलक जी मैंने ये कहा कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है ये निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है, बात चुनाव की थी जो लखपत भाई कह रहे थे ना, तो बात चुनाव की थी कि हम अपने चुनाव अपने विकास के दम पर, जो हमने विकास के कार्य किए उसके दम पर लड़ते हैं। किशोर उपाध्याय से आने से आपको क्या फायदा होगा? आपने कहा ना कि हमारी दुकान में देखिए ग्राहक तभी आ रहे हैं जब हमारे पास सामान है, किशोर उपाध्याय के आने से आपको क्या फायदा होगा, सीधा बताइए। नवीन ठाकुर जी, नवीन जी,
अच्छा आपका भी सिग्नल चला गया नवीन जी, नवीन जी का सिग्नल चला गया। लखपत जी अपनी बात रखिए, फिर मैं जी आपके पास। अभी कोई आने जाने की बात ही नहीं हुई, तो नफा नुकसान की तो बात दूर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा बहुत सारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आने को लालयित हैं, लेकिन ये फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, हमारा प्रदेश नेतृत्व करेगा कि किसको लेना और किसको नहीं लेना है, तो निर्णय तो वो करेंगे। लखपत जी उस निर्णय में मैं शामिल नहीं हूँ। ओके ओके लखपत जी, वो ये कह रहे हैं आपको भी आना है तो आ जाइए। तिलक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है ठाकुर जी, फिर आ रहा हूँ। समीर अतुड़ी जी बोलिए। लखपत जी मैंने कहा अगर सहसपुर विधानसभा से कोई कांग्रेस का आके बीजेपी से चुनाव लड़े तो ठाकुर पे क्या गुजरेगी, ये इन्होंने सोचा जब 18 टिकट 2017 में दिए और 8-8 और 7-7 बार के जीते हुए विधायक कैबिनेट में नहीं आ पाए। अब जिस तरह से 60% कैबिनेट के लोगों को तो 10-10 का काम किया, यही तंत्र का हत्या किया, चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजे चाकू पर गिरे, यही तो समझा रहे थे रावत जी। जी इन्होंने मैं बता रहा हूँ 2017 में लोकतंत्र का गला घोटा और उसका अपमान किया था 16 में, और इस समय भी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं कि जब इन्हें बहुमत दिया गया उसके बावजूद काम नहीं किया और अपने कई विधायक को टिकट काटने का काम कर रही है। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, ये 40% विधायक की टिकट काटने के दम पे सोच रहे की उत्तराखंड की जनता को पुनः मूर्ख बना दे, मूर्ख नहीं बनने वाले कांग्रेस सरकार प्रदेश में आएगी, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मैं आपको डंके की चोट पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा टिहरी से कौन लड़ेगा, तो जनादेश देगी कांग्रेस टिहरी से कौन आखिर में सरकार बनाएगी, मैं आपसे बता टिहरी से कौन बड़े नेता है टिहरी से कौन लड़ेगा, बने टिहरी से कौन लड़ेगा जीते लग जी, मैंने कहा सर टिहरी से कौन लड़ेगा जी, अभी मैं किशोर उपाध्याय जी टीवी से चुनाव लड़े उसमें कहीं तिलक जी इफेंट बटी नहीं है, अभी मैं आपसे पुनः कर लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ कांग्रेस के सिंबल पे जनता कांग्रेस के सिंबल हाथ को चुनाव चिन्ह मान करके वोट देना चाहती है, लोग मान्य हरीश रावत जी मान्य जी का कॉन्फिडेंट है या फिर वो जानते हैं कि आप हाथ से रेत की तरह वक्त निकलता जा रहा है, ये लखपत जी की बात पर आपको यकीन है? वो उनके पास जितना समय बचा है अभी उस समय का वो उपयोग करके ये बात बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य वाली बात है, रोक नहीं पाएंगे। भाजपा के पास पता नहीं ऐसा कौन सा चश्मा है जो पूरे लंबे समय तक जिन लोगों को वो बहुत गलत साबित समझती है, जिन लोगों की वो आलोचना करती है, जिन लोगों के खिलाफ वो मोर्चा खोलती है, चुनाव के समय जब वो उनके पाले में आते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं और वो उनके कार्यकर्ता नहीं, उनके कार्यकर्ता तो बाद में बनते हैं, पहले वो कैंडिडेट बन जाते हैं, तो ये पता नहीं कौन सा चश्मा है भाजपा के पास है जो विपक्ष में रहकर खराब दिखता है पास में आके समझ दिख जाता है, तो समझने वाली बात है कि भाजपा भी किस चाल में चाल चलती है और किस प्रकार से खरीद फरोख्त वाले मामले में कैसे कैंडिडेटों को अपने पाले में लाने का काम कर रही है। और जहां तक रही कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को तो अभी अपनी नदी नौ बचानी मुश्किल हो रही है, जिस प्रकार से अंदर खाने उनके कलह चल रही है, जिस प्रकार से आपसी मतभेद बहुत सुल के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से एक एक करके सब छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस को अपनी नाव बचानी बहुत मुश्किल हो रही है। आपके घर की रतुड़ी जी, आपके घर की एक बड़ी खबर बताऊं? तिलक जी 30 लखपत जी आपके ना ऑडियो दिक्कत आ रही है, आप सर एक मिनट लेते मैं चाह रहा था, लेकिन एक बड़ी खबर बता देता हूं रतुड़ी जी खबर ये भी आ रही है कि गंगोत्री वाले धर्मपुर भी आ रहे हैं, गंगोत्री वाले धर्मपुर भी आ रहे हैं, दो दो सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, खबर ये भी आ रही है। अगर हरीश रावत जी दो दो सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी, दो हमारे होने वाले मुख्यमंत्री जी दो दो सीट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते बताइए, हमें ये विश्वास है कि जितने भी सीट पे चुनाव लड़ेंगे वो सीट हम जीत के आएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है। ओके ओके ओके, क्यों नवीन ठाकुर जी कह रहे थे जमानत तो बचा लो गंगोत्री में, खैर वो नवीन भाई की अपनी धारणा है, पहले वो अपने कैंडिडेट ढूंढ ले अपनी पार्टी के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन लखपत जी अब मैं आपको बता दूं नवीन ठाकुर जी गाड़ी में बैठ चुके हैं, नहीं 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 आप सुनिए मेरी बात, नवीन ठाकुर जी गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हो सकता है ये गाड़ी टिहरी जाकर ही रुकेगी, लेकिन खैर नवीन ठाकुर जी बात बीच में टूट गई थी, मैं ये जानना चाह रहा था कि लखपत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस, मैंने इनसे पूछा कि टिहरी से कौन लड़ेगा चुनाव, कह रहे हैं किशोर उपाध्याय जी, लगता है आपको किशोर उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे टिहरी से आप, या उनको लड़ना चाहिए? नवीन ठाकुर जी
तिलक जी मैं सुन नहीं पाया सिग्नल की आज वाकई प्रॉब्लम आ रही है टीजी से लेकर देहरादून तक प्रॉब्लम है शायद कुछ आज एक बार सवाल दोहरा देंगे जरा लखपत जी का फोन भी नहीं मिल रहा किशोर उपाध्याय जी को खैर मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे किशोर उपाध्याय टिहरी से चुनाव लड़ेंगे टिहरी से आपको लगता है कि किशोर उपाध्याय को अब टिहरी से चुनाव लड़ना चाहिए देखिए उनका अंदरूनी मामला है लड़े तो वो सहसपुर से भी थे लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जहां से बेचारे लड़ेंगे तो निराशा और हार निश्चित है क्योंकि कांग्रेस का हश्र उत्तराखंड में 2017 में जैसा हुआ वैसे ही 22 में होने वाला है तो निश्चित तौर पर वो चाहे टिहरी से लड़े चाहे पुनः सहसपुर से लड़े लेकिन अगर वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो हश्र 2017 वाला ही होने वाला है ये तय मानिए तिलक जी और कमल पे लड़े तो देखिए मैंने कहा कमल में तो वो शक्ति है कमल को जिताने के लिए हमारा कार्यकर्ता हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता दिन रात कमर कसे बैठा रहता है तो हमारे प्रत्याशी तो पहले से तय है आपके विधायक है प्रत्याशी हमारा प्रत्याशी तो कमल है हमारा प्रत्याशी कमल है व्यक्ति गौण है विचार हमारे लिए जो है बड़ा है हमारे लिए आइडियोलॉजी है एक विचारधारा है उसके लिए जो हमारा कार्यकर्ता काम करता है हाँ सर वो विचारधारा देखी है पूरे देश ने वो उत्तराखंड में देख ली है जनता ने मैं एक विचारधारा और बात कर रहा हूँ इसीलिए जनता ने चुना भी जी 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 जो धन सिंह नेगी जी है टीवी से विधायक है ना आपके टीवी से धन सिंह नेगी जी जी बिल्कुल वो किशोर जी को अपराधी बोल रहे थे ये देखिए वो जाने उन्होंने किस संदर्भ में बोला मैं उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैंने ये कहा कि अभी हमने किशोर जी को जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी या वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ ठीक सलूक नहीं किया पदों से अगर हटा दिया तो कम से कम उन पर जो है इस प्रकार के हमले ना करें इस प्रकार के आरोप ना लगाएं जिस प्रकार हरीश रावत उन पे हमले कर रहे हैं जिस प्रकार देवेंद्र यादव उनके प्रभारी जो है उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं उस नोटिस में आप पढ़िए किस प्रकार उन्होंने कहा कि व्यक्तिवर बार बार चेतावनी देने के बावजूद आप जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी का अपमान कर रहे हैं इसलिए आपको सभी पदों से जो है पद मुक्त किया जाता है और फिर हरीश रावत जी चुटकियां ले रहे हैं उन पर तो मुझे उस बात का दुख है और कोई नहीं इनका अंदरूनी मामला है हमने तो कभी नहीं कहा इनके यहाँ जो है इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल होती है इन्होंने सहसपुर से पिछले अगर धन सिंह जी ने बोला है तो आपके कथानुसार वो तो कमल ने ही बोला है ना क्योंकि आपके यहाँ तो टीवी में कमल ही जीत के आया है कमल ही प्रत्याशी है कमल ही विधायक है तो अगर वहां का विधायक ये बात बोल रहा है तो कमल ने तो बोला इस बात को लेकर कि किशोर भाई आपराधिक है तो आप कैसे मुकर जा रहे कि उनका व्यक्ति विशेष हो गया फिर इस बात को लेकर जब तो प्रत्याशी की बात आ रही है आप कमल को आगे ला रहे हैं जब विधायक बोल रहा है तो आप बोल रहे हो वो इंडिविजुअल बोल रहा है ये दोहरी बातें तो मत कीजिए नवीन भाई माना दोहरी बात नहीं है वो तो स्पष्ट है भैया उनका व्यक्तिगत है मनीष सिसोदिया ने कहा नंदा देवी कूड़े का ढेर है आपकी उमा सिसोदिया ने कहा उत्तराखंड के लोग तो दुकान में कुत्ते की तरह खड़े नजर आते हैं तो आपने क्या कहा था आपने कहा उनका व्यक्तिगत मामला है आपने क्या जवाब दिया था आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया आम आदमी पार्टी ने क्या उमा सिसोदिया को पार्टी से बाहर किया क्या आपने मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल ने की तब आप कहा थे रतूड़ी जी जवाब दीजिए ना रतूड़ी जी मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए जब मनीष सिसोदिया ने कहा एक बात का जवाब दे दीजिए जब उमा सिसोदिया ने उत्तराखंड के लोगों की तुलना दुकान के आगे खड़े कुत्ते से की आपने कार्रवाई क्यों नहीं की आप रतूड़ी जी सुनेंगे नहीं जी आप रतूड़ी जी सुनेंगे नहीं रतूड़ी जी सुन लीजिए ना रतूड़ी जी एक मिनट नवीन जी जी प्लीज मुद्दा जी, है किशोर उपाध्याय जी मुझे लग रहा है आप मुद्दे से भटक रहे हैं लखपत जी मुद्दे पर आते हैं नवीन ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं कि एक घंटा हो गया लखपत जी ने फोन नहीं मिलाया किशोर उपाध्याय जी को वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नल तो नहीं मिल रहे आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं लखपत जी देखिए मैं दो बातें आपने बहुत लंबे समय तक आप जिस तरह से राजनीति को आपने नजदीक से देखा आपने विश्लेषण किया है मैं आपसे 15 दिन की बात कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चाहे वो रतूड़ी जी की पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष हो चाहे प्रवक्ता हो चाहे सपा के प्रदेश अध्यक्ष हो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक हो पूर्व सांसद हो
तीन तीन जिला पंचायत निवर्तमान जिला पंचायत विधायक हो, जिस तरह से लोगों ने उत्तराखंड में कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, किसी दूसरी पार्टी को किया, तो आप बता दीजिए 15 दिन के अंदर आपका तो पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में तो आपका एक बहुत मजबूत एनालिसिस है और हमने आपके साथ बहुत कुछ सीखा है। ये लोग इतने तेजी से उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और बड़े बड़े, हम ये तो नहीं कह रहे कोई जो लोग पहले मजबूत रहे हैं, जिन जिनका जनाधार रहा है, जो क्षेत्र में रहे हैं, जो जनसेवा, तो लोग यदि कांग्रेस की ओर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर आ, तो क्यों कांग्रेस से कोई बाहर जाना चाहेगा? तो जितने एनएसएलएस जितने सर नहीं लखपत जी सारे के सारे कहीं से भी लड़ ले, जब बीजेपी का सिंबल मिलेगा तभी जीतेंगे, ये कह रहे हैं सहसपुर से भी लड़ ले, टीरी से भी लड़ ले, बीजेपी अगर बीजेपी का सिंबल मिलेगा तभी जीतेंगे, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं। देखिए मैं आज चमोली अपने गांव में दूरा तो चमोली के आखिरी गांव समझ लो पोखरी ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ मैं लोगों से जितना मिल के आया हूँ, भाजपा का सुपड़ा साफ तय है, भाजपा अपने ढाई के अंक पे भी नहीं आएगी। मैं लगातार क्षेत्र में हूँ एक चोरी और समझना चाह रहा था समीर अतुड़ी जी, वो चोरी मेरी ये थी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे किशोर जी का कि वो आएंगे और ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करने आए नहीं, मतलब बीजेपी, अब ये बताइए वो दिल्ली में क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों उनकी ऐसी मंशा है कि वो दिल्ली में ज्वाइन करें, क्या लगता है? देखिए जो सुनने में आया था वो ये भी आया था, नवीन जी बताएंगे, नहीं नहीं आपको नहीं मालूम ना रतुड़ी जी, नवीन जी को सब कुछ मालूम है, नवीन जी क्या चक्कर है दिल्ली में क्यों नहीं, वो दिल्ली में ज्वाइन करवा तिलक जी, ये जानकारी लखपत भाई बहुत अच्छे से देंगे, इनकी मित्रता है। हमारी तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पिछले एक हफ्ते से निर्धारित थी, लगातार जो है आप देख रहे हैं आए दिन, कभी निशंक जी की, आज निशंक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले जो है पुष्कर धामी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। हमारे मुख्यमंत्री लगातार पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सब अच्छा। एक मंच पर आकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस की इतने धड़ेबाजी नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आप देख लीजिए अभी आज निशंक जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, तो ये कोई तय नहीं था इसमें कि किशोर जी इसमें आ रहे हैं, किशोर जी का आने का कोई तय नहीं था, हमारा अपना पार्टी का जो काम है, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है, चाहे हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हूँ, अभी जो है मैं अभी चमोली भी गया था, मैं भी चमोली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था, तो वहाँ पे पत्रकारों ने जो है बहुत अच्छे से सारी बातें मुझसे पूछी और मैंने सबके जवाब दिए, सब अखबारों में छपा था, लखपत भाई ने पढ़ा होगा जो कह रहे हैं, लखपत भाई बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि बहुत बहुत माहौल खराब है, मैं फील्ड में हूँ लगातार। आप यकीन मानिए तिलक जी, 17 में जब हमारी सरकार बनी उसके 6 महीने बाद से जो है कांग्रेस के सारे प्रवक्ता बोलना शुरू कर दिए थे, बहुत बुरा हाल है, जनता नाराज है, लेकिन 19 में क्या हुआ नवीन जी? जी दिल्ली ज्वाइनिंग यहाँ भी करवानी है और दिल्ली में भी करवानी है, तो दिल्ली में क्या दिक्कत आ रही है? वो दिल्ली में ही कह रहे हैं तो दिल्ली में करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है तिलक जी, इस विषय में ये तो लखपत भाई बता सकते हैं या आदरणीय किशोर जी बता सकते हैं, इस विषय की तो मुझे जानकारी नहीं कि वो ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, देहरादून कर रहे हैं, इस विषय को मेरी कोई जो है इस विषय में जानकारी नहीं है, और ना ही आदरणीय किशोर जी से मेरा इतना व्यक्तिगत संपर्क है जितना लखपत भाई का है। अच्छा, एक दो डिबेट में उनसे मुलाकात हुई, आधा घंटा हो सकता है, इत्तेफाक से कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो गई होगी, वो इत्तेफाक होगा, कोई बात नहीं। समीर रतुड़ी जी, आपको क्या लगता है कि ज्वाइनिंग दिल्ली में होगी या देहरादून में, क्योंकि दिल्ली वाले भी बहुत सक्रिय है इस मामले में? देखिए किशोर उपाध्याय जी जो अपने आप कांग्रेस के बड़ी शख्सियत रहे हैं, काफी लंबे समय से उस पार्टी के बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया उन्होंने, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, और ऐसे में अगर कांग्रेस से छोड़ के वो भाजपा में आते हैं तो कांग्रेस को बहुत बड़ी हानि होगी, एक तरफ से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि भाजपा की तो बहुत बड़ी नजर होगी इसके ऊपर, तो इसके ये बात आप सत्य बोल रहे हैं कि केंद्र की भी नजर है, स्टेट की नजर भी है, तो केंद्र जरूर ये कोशिश करेगी कि किसी हालत में किशोर उपाध्याय जी का जो बात चल रही है उसको एनकैश कर सके, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी ना किसी हालत में उनको दिल्ली में ही ज्वाइनिंग करवाएंगे ताकि वापस ना जा पाए। अब लखपत जी आप एक बात बताइए, आप रोक लेंगे किशोर उपाध्याय जी को, रोक सकते हैं आप?
मैंने कहा जाने का सवाल ही नहीं, इंतजार करते रहे, गलत अफवाह फैलाते रहे, गलत गलत इनके तीन तीन मुख्यमंत्री जिस तरह से इनके मुंह पे मक्खी लग गए मीडिया के सामने, वो सबने देखा है। और यदि यदि ये कहना चाह रहे दिल्ली में जाने को, पहले बात क्यों करते, मीडिया में क्यों आते हैं बीजेपी करने के लिए? मैं ये कहना चाह रहा, अगर इन्होंने बात की किशोर उपाध्याय जी के हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो नहीं टेलीफोन पे बुलाएगा कोई ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन ये जिस तरह का हवा, इनके पास कुछ है नहीं काम, इन्होंने 5 साल किया नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामा है इनका, ड्रामे पे चलने वाला, इन्हें भी पता है कि इन्होंने सुने पे आना है। मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि मैं जनता के बीच लोगों के बीच हूँ, लोग उत्तराखंड के जनमानस ने मन बनाया है कि कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ सत्ता देंगे, और ये प्रदेश खुशहाली चाहे यहाँ के उत्तराखंड की बात हो, नवीन जी अब मुझे एक बात बताइए, एक बात लखपत जी कह रहे थे बहुत चीज है, मैं रतौड़ी जी में कभी नहीं कहना चाहता था क्योंकि अभी मैं नोटिस लेता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं ये जरूर रतौड़ी जी को कह सकता हूँ, अभी जुड़े में आप आए कुछ दिन हो गए हैं, आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, कई लोगों ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर दी, कांग्रेस जो कह रहे हम गलती से चले गए, ये पार्टी तो धोखेबाजों की पार्टी है, इससे झूठी पार्टी कोई नहीं है, ये तो ड्रामेबाज पार्टी है, ये तो आपके लोग जो बड़े बड़े पदों पर वापस आके कह रहे हैं उत्तराखंड मोदी के, लखपत जी कोई बात नहीं, होता है चले गए। नवीन जी फाइनल कमेंट आपका, आपको क्या लगता है कि किशोर उपाध्याय अगर बीजेपी से, ठीक है एक मिनट लखपत जी हो गया ना, आपके सिग्नल में दिक्कत आ रही है सर, एक मिनट सुन लीजिए ना सवाल, सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लखपत जी बोलिए, आप किशोर उपाध्याय का गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतार, एक मिनट रुकिए ना आप। नवीन ठाकुर जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो चर्चाएं चल रही है, जो अफवाहें उड़ रही है, अगर बीजेपी से राज्यसभा सांसद के रूप में किशोर उपाध्याय जी चाहते तो आपको लगता है कि कुछ उत्तराखंड का उद्धार हो जाए? देखिए तिलक जी, ये बड़ी दूर की बात है, अभी तो ये देखना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा संगठन उनको ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राज्यसभा जाना है या भेजना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, और बड़ा दूर है अभी ये, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ लखपत भाई, जिस प्रकार लगातार जो है पिछले 4-4.5 साल से एक ही रट लगाए बैठते हैं कि उत्तराखंड में बस जनता परेशान है, लेकिन जनता बार बार कांग्रेस को जवाब देती है, इनको दिखाई पता नहीं क्यों नहीं देता, 2019 में 5 सीटों से हरा के भेजा, दिखाई नहीं दिया, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए 10 सीटों पर हम आए, इनको दिखाई नहीं दिया, अब लखपत भाई ये निर्णय कर ले, चाहे निकाय के चुनाव हो चाहे पंचायतों के चुनाव हो, तीन उपचुनाव हुए, तीनों हमने जीते, फिर भी लखपत भाई को दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रदेश की जनता उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अपना लगातार आशीर्वाद उसने दे रही है, वही आशीर्वाद उसने 22 में भी दे रही है, क्योंकि हमने काम किया, और जो पार्टी काम करेगी जनता निश्चित तौर पर उसे चुनेगी लखपत भाई, तो आप चाहे जितने मर्जी आरोप लगा लें, कांग्रेस चाहे जितने मर्जी आरोप लगा लें, निश्चित तौर पर जिसने विकास किया उसे ही जो है उत्तराखंड की जनता चुनेगी। नवीन ठाकुर जी आखिरी सवाल ले लीजिए ना मेरा, एक सेकंड लखपत जी एक और अफवाह उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि रिस्पना के पास जो है एक होटल है, रिस्पना जो विधानसभा की तरफ रास्ता जाता है एक होटल है, और वो बीजेपी का पावर सेंटर बना हुआ है, कह रहे वहां भी मीटिंग हुई थी, ऐसा हुआ था क्या? देखिए उस रिस्पना को इन्होंने कहा था, चुनाव के लिए मीडिया सेंटर है, और निश्चित तौर पर पावर सेंटर है हमारा, पूरे प्रदेश को जो है वहाँ से वर्चुअल बैठ के कर रहे हैं, हम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ आखिरी सवाल कार्यक्रम बाइंड अप कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए नवीन ठाकुर जी, सर जी। सब तो आ ही गए, अब लखपत जी को भी आपने ऑफर दे दिया डिबेट में बैठे हुए, किसी को तो छोड़ोगे वहां, ये सबको ही मिलोगे है नवीन जी? तिलक जी एक बार सवाल दोहरा देंगे, मैंने कहा कि आपने अभी डिबेट में बैठे हुए 1 घंटा पहले लखपत जी को भी ऑफर दे दिया, मैंने कहा किसी को तो छोड़ोगे वहां, ये सबको ही ले लोगे? नहीं लखपत जी हमारे बड़े भाई है, इनका स्वागत है, जब मर्जी आए, ये सहसपुर आ जाए जहां से मैं तैयारी कर रहा हूँ, इनका स्वागत है, और इनको जो है निश्चित तौर पर लखपत भाई जैसे बढ़िया आदमी को
तैयारी कर रहा हूँ। नवीन ठाकुर जी कह रहे सहसपुर से तैयारी कर रहा हूँ, मतलब समझिए लखपत जी, समझिए समझिए, सहसपुर से तैयारी कर रहा हूँ। ये सहसपुर वही है जहाँ खरबूजा छुरी पे गिरता है, छुरी खरबूजा गिरती है, सच्ची खरबूजा ही है। थैंक यू सो मच नवीन ठाकुर जी, बहुत शानदार अंदाज से अपनी बात को रखा लखपत जी। आज मेरी मजबूरी और दिक्कत ये रही कि आपका सिग्नल कनेक्ट नहीं हो पा रहा और आपका संपर्क किशोर उपाध्याय जी से भी नहीं हो पा रहा, और आपने कोशिश की या नहीं की मुझे नहीं मालूम, लेकिन टिहरी भी आपके नेटवर्क नहीं लग पा रहे हैं। और रतूड़ी जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये सियासत है, किशोर उपाध्याय ने कहीं ये पटकथा खुद तो नहीं लिखी ताकि ये इल्जाम उनके सर पर ना आए कि उन्होंने बगावत करके कांग्रेस को छोड़ा है। अब वो विक्टिम कार्ड लेकर जेब में डालकर बीजेपी जाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है किशोर राजनीति के किशोर नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।